हेलो स्टूडेंट्स, आई एम खुशी टीचर फ्रॉम पारस इंग्लिश स्कूल। टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू इंग्लिश ग्रामर एंड सब्जेक्ट नंबर 4, कैन कैन नॉट, उसका शॉर्ट फॉर्म होता है कांट। रीड दीज सेंटेंसेस केयरफुली। ये सेंटेंसेस जो दिए गए हैं उसको ध्यान से रीड करो। नंबर 1, आई कैन वॉक, मैं चल सकता हूँ, बट आई कांट फ्लाई। जो पॉसिबिलिटी जिसके लिए नहीं होती है उसके लिए लिखेंगे कांट लिखेंगे, और जो पॉसिबिलिटी होती है उसके लिए कैन। कैन का नेगेटिव बनेगा कांट। हम चल सकते हैं लेकिन हम उड़ नहीं सकते, तो कांट यूज़ करेंगे। आई कैन वॉक बट आई कांट फ्लाई। नंबर 2, अ बेबी कैन स्माइल बट इट कांट रीड। एक छोटा बच्चा जो होता है वो मुस्कुरा सकता है लेकिन वो बुक या कोई भी चीज़ को रीड कर नहीं सकता, पढ़ नहीं सकता। तो ये क्या बताते हैं, कैन और कांट, ये क्या बताते हैं, पॉसिबल हो तो कैन एंड पॉसिबल नहीं हो तो कैन नॉट, कांट। तो हमेशा याद रखने का, रिमेम्बर कांट ये है, ये किसका है, शॉर्ट फॉर्म है कैन नॉट। कैन नॉट नहीं लिखना हो तो अपने कांट भी लिख सकते हैं, तो कांट है उसका फुल फॉर्म है कैन नॉट। नाउ एक्सरसाइज नंबर 1, पुट कैन और कांट करेक्टली। हमें कहाँ की जहाँ जो कहाँ कैन लगाना है और कहाँ कांट लगाना है वो ध्यान से लिखने का है। नंबर 1, बॉयज डैश प्ले क्रिकेट बट डॉग्स डैश प्ले क्रिकेट। बॉयज जो हैं बच्चे हैं वो क्रिकेट खेल सकते हैं, इसके लिए हम लगाएंगे कैन। बॉयज कैन प्ले क्रिकेट, बट लेकिन जो डॉग हैं, जो कुत्ते हैं, वो क्रिकेट खेल नहीं सकते, तो यहाँ लगाएंगे कांट। ओके, बॉयज कैन प्ले क्रिकेट बट डॉग्स कांट प्ले क्रिकेट। नंबर 2, अ चाइल्ड डैश टच द फ्लोर बट इट कांट टच द सीलिंग। यानी जो बच्चा है जो वो क्या है, ज़मीन को छू सकता है लेकिन जो सीलिंग छत है उसको छू नहीं सकता, तो यह लगाएंगे कैन, यह लिखेंगे कांट। अ चाइल्ड कैन टच द फ्लोर बट इट कांट टच द सीलिंग। नंबर 3, यू डैश लिव विदाउट एयर, अपने क्या है, एयर के बगैर नहीं रह सकते, यहाँ लगेगा कांट, क्योंकि हमें जिंदा रहने के लिए हवा तो ज़रूरी है, तो वी कांट लिव विदाउट एयर। नंबर 4, अ स्क्विरल डैश क्लाइम ट्रीज बट अ हॉर्स डैश क्लाइम ट्रीज। स्क्विरल जो होती है एक खिसकोली गिलहरी होती है, वो चढ़ झाड़ पर चढ़ सकती है लेकिन जो हॉर्स होता है वो झाड़ पर नहीं चढ़ सकता, तो क्या लिखेंगे, यहाँ कैन आएगा और यहाँ कांट आएगा। स्क्विरल कैन क्लाइम ट्रीज बट अ हॉर्स कांट क्लाइम ट्रीज। नंबर 5, वी डैश बाथ विदाउट सॉप बट वी डैश बाथ विदाउट वाटर। हम साबुन के बगैर नहा सकते हैं लेकिन हम पानी के बगैर नहीं नहा सकते, तो वी कैन बाथ विदाउट सॉप बट वी कांट बाथ विदाउट वाटर। नंबर 6, बर्ड्स डैश फ्लाई बट एलिफेंट्स कांट फ्लाई। बर्ड्स जो है वो उड़ सकते हैं आसमान पे, हाई अप द स्काई पर उड़ सकते हैं एकदम ऊंचे, लेकिन जो एलिफेंट्स होता है उसकी बॉडी कैसी होती है ना, तो उड़ सकता है नहीं, तो वो एलिफेंट जो है वो उड़ नहीं सकता, तो यहाँ लिखेंगे कांट, कांट फ्लाई। बर्ड्स कैन फ्लाई बट एलिफेंट्स कांट फ्लाई। ओके, नंबर 7, अ लिजर्ड
dash kill a scorpion, but it can't kill a tiger. एक जो छिपकली होती है वो स्कॉर्पियन जो होता है बिच्छू को क्या कर सकती है, मार सकती है, बट वो क्या है, इट कांट किल, एक टाइगर को वो मार नहीं सकती. अ लिजर्ड कैन किल अ स्कॉर्पियन बट इट कांट किल अ टाइगर. नंबर 8, माय सर्वेंट डैश स्पीक इंग्लिश बट ही डैश रीड इट. जो मेरा सर्वेंट है इसमें लिखा हुआ है वो इंग्लिश बोल सकता है लेकिन ही कांट रीड इट, वो उसको पढ़ नहीं सकता. 9, आई कैन गिव यू फूड बट आई डैश गिव यू शेल्टर. मैं तुम्हें खाना दे सकता हूँ लेकिन शेल्टर जो है वो नहीं दे सकता, रहने की जगह नहीं दे सकता. तो आई कैन गिव यू फूड बट आई कांट गिव यू शेल्टर. नंबर 10, यू डैश बैंड अ कैन बट यू कांट ब्रेक इट. तो यहाँ लिखेगा यू कैन बैंड अ कैन बट यू कांट ब्रेक इट. एक्सरसाइज नंबर 2, मेक क्वेश्चंस फ्रॉम दीज स्टेटमेंट्स. एग्जाम्पल है मोहन कैन राइड अ हॉर्स. क्या है, मोहन क्या करता है, हॉर्स पे हॉर्स की सवारी कर सकता है. तो अपने को इसमें क्या, इसमें कन्वर्ट करने का है, इसको इसमें चेंज करने का है क्वेश्चन में. तो यहाँ मोहन की जगह पर कौन, कौन राइड हॉर्स, कौन सवारी कर सकता है. तो हम मोहन की जगह लगाएंगे हु कैन राइड अ हॉर्स एंड पुट हियर क्वेश्चन मार्क. लास्ट में क्या लिखेंगे, क्वेश्चन मार्क लिखेंगे करेंगे. नंबर 1, अ रिच मैन कैन बाय अ कार. तो अ रिच मैन किसकी प्लेस पर अपने क्या लिख देंगे यहाँ पर, हु कैन बाय अ कार, कौन कार खरीद सकता है. 2, अ स्ट्रॉन्ग मैन कैन कैरी अ बिग टेबल. तो अ स्ट्रॉन्ग मैन को प्लेस पर क्या लिख देंगे अपने, हु कैन कैरी अ बिग टेबल. अशोक कैन बीट रमेश इन द हाई जंप. तो यहाँ अशोक की प्लेस पर लगाएंगे हु कैन बीट रमेश इन द हाई जंप एंड पुट हियर इन लास्ट क्वेश्चन मार्क. His sisters can dance very well. So his sisters है इसके प्लेस पर लिखेंगे who can dance very well. Okay. Number 5, Lina can recite all these poems. Who can recite all these poems and put here in last question mark. The sentence first. यहाँ दिया हुआ है learn. याद रखो a sentence is a complete thought. It must have a subject and a predicate. ये क्या है, subject यानी जो करता है और जिस पर काम होता है. The subject is someone or something. कोई भी something हो, कोई भी चीज़ हो, कोई भी subject है, काम करने वाला है वो speak about. And the predicate यानी जिस पर काम होता है. इस समथिंग वी से अबाउट द सब्जेक्ट. द एक्शन वर्ड, जो एक्शन वर्ड जो होते हैं वो अब जो कहते हैं इज ऑलवेज इन द प्रीडिकेट. वो कहाँ पर होते, कहाँ होते हैं, प्रीडिकेट में होते हैं. अ सेंटेंस मस्ट बिगिन विथ अ कैपिटल लेटर. हमेशा जो है सेंटेंस कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए, कैपिटल लेटर से. अब यहाँ दिया हुआ है सब, रीड दीज सेंटेंसेज. सब्जेक्ट है नंबर 1 है साम. एंड प्रीडिकेट क्या बताया है, रन्स. ये क्या हुआ, ये प्रीडिकेट. 2 है बर्ड्स है फ्लाई ओवर द ट्रीज. नंबर 3 द बेबी इज क्राइंग. इज क्राइंग क्या है, ये प्रीडिकेट है और सब्जेक्ट करने वाला कौन है, द बेबी है. 4 नंबर दीज लेजी मैन डू नॉट वर्क.
काम नहीं कर सकते, जो लेजी मैन होते हैं वो, जो आलसू होते हैं लोग, जो वो काम नहीं करते। अंडरस्टूड? द साम बर्ड्स, द बेबी, दीज लेजी मैन, ये सब क्या कहलाते हैं? सब्जेक्ट। और जिस पर काम होता है तो ये क्या काम हो रहा है? तो रन्स, फ्लाई ओवर द ट्रीज, कहाँ उड़ रहते हैं बर्ड? वो आसमान पर ऊँचे उड़ते हैं। इस क्राइंग बेबी क्या है? जो बच्चा रोता है। एंड लेजी मैन डू नॉट वर्क। वी सी फ्रॉम द एबो सेंटेंस, जो अपनों ने एबो सेंटेंसेस पढ़ा है उसमें क्या है? दैट द सब्जेक्ट कैन बी वन और मोर वर्ड्स एंड द प्रीडिकेट ऑल्सो कैन बी वन और मोर वर्ड्स। तो यहाँ पर एक्सरसाइज नंबर में बताया है बराबर, यहाँ अंडरलाइन द सब्जेक्ट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। पहला बताया गए हैं एग्जाम्पल को फॉलो करने का है अपनों को। नंबर वन है द स्कूल बेल इज रिंगिंग। अब तो क्या बचता है? तो भाई स्कूल बेल इज रिंगिंग क्या बन गया है? प्रीडिकेट। द स्कूल बेल बन गया है सब्जेक्ट। कौन काम करता है? तो द स्कूल बेल इज रिंगिंग, ये क्या है? प्रीडिकेट है। तो द स्कूल बेल इज रिंगिंग। नंबर टू, दैट लिटिल बॉय कैन नॉट स्विम, कौन नहीं तैर सकता? तो छोटे बच्चे, छोटा बॉय, तो दैट लिटिल बॉय है सब्जेक्ट है, कैन नॉट स्विम है प्रीडिकेट है। थ्री, वी डिड नॉट सिंग, तो वी क्या है? सब्जेक्ट। डिड नॉट सिंग ये क्या है? प्रीडिकेट। द हॉर्स वॉज गैलपिंग, द हॉर्स है वो क्या है? सब्जेक्ट। दिस ऑब्जेक्ट। द सन इज राइजिंग, तो सब्जेक्ट है द सन, इज राइजिंग इज अ प्रीडिकेट। नाउ सिक्स, डम पर्सन कैन नॉट टॉक, जो गूंगे होते हैं वो बोल नहीं सकते, तो डम पर्सन्स। ओके। सेवन, द बस स्टॉप्ड, द बस इज अ सब्जेक्ट। एट, फ्रॉग्स आर क्रॉकिंग, कौन क्रॉकिंग करता है? तो फ्रॉग्स। इन नाइन नंबर, ऑल इंडियंस आर माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, यानी सभी इंडियंस मेरे भाई और बहन हैं। तो कौन है? तो ऑल इंडियंस। ओके, सबके नीचे क्या करने का है अपने को? अंडरलाइन करने का है। यहाँ पर बताया है कि अंडरलाइन द सब्जेक्ट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। तो अपने को सभी के नीचे जैसे मैंने अंडरलाइन किया है ऐसे आपको भी इसमें अंडरलाइन करना है। ट्रीज, नंबर टेन है, ट्रीज गिव अस फ्रूट्स एंड फ्लावर्स, तो कौन देता है फ्रूट्स और फ्लावर्स? तो ट्रीज, ट्रीज इज अ सब्जेक्ट। तो अंडरलाइन करेंगे और ट्रीज के नीचे अपने लाइन बनाएंगे। इलेवन, द डॉग गार्ड्स अवर हाउस, कौन घर की देखरेख करता है, देखभाल कौन करता है? तो द डॉग, तो द डॉग के नीचे अंडरलाइन करेंगे। ट्वेल्व नंबर, वी मस्ट हेल्प वन अनदर, तो अपने को करनी चाहिए, एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, तो अपने को तो वी इज अ सब्जेक्ट। ओके। एक्सरसाइज नंबर टू, रीड द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स एंड राइट एस इन ब्रैकेट्स अगेंस्ट दोज दैट आर सेंटेंसेस, जो सेंटेंसेस हैं उसके आगे हमें लिखना है सामने एस, जो पूरा सेंटेंस बनता है उसके आगे एस लगाएंगे। ऑल्सो पुट अ फुल स्टॉप, और लास्ट में क्या लगाएंगे? फुल स्टॉप एट द एंड ऑफ ईच सेंटेंस, जो प्रॉपर सेंटेंस बनता है उसके उसमें क्या है, लास्ट में हमको इसमें एस भी लिखना है और लास्ट में फुल स्टॉप लगाना है। द बॉयज नंबर वन में इन्होंने एग्जाम्पल दिया हुआ है बुक ने, जो लिखा है बुक वालों ने, द बॉयज आर लाफिंग, तो यहाँ बना ये सेंटेंस पूरा समझ में आता है कि बॉयज क्या है, हंस रहे हैं। टू, इन द फास्ट ट्रेन, अब इन द फास्ट ट्रेन में क्या है, सेंटेंस नहीं बनता है तो यहाँ मैंने डैश किया है। ओके। थ्री, एवरी डॉग बार्क्स, सभी डॉग क्या है, बार्क करते हैं, भौंकते हैं, तो मैंने यहाँ लिखा हुआ है एस, यहाँ लिखा है लास्ट में फुल स्टॉप। नंबर फोर,
आई वॉज स्लीपिंग, मैं सोता था। तो ये पूरा सेंटेंस है, सो राइट हियर एस, और यहाँ लगाएंगे अपने फुल स्टॉप लगाएंगे। नंबर 5, टू डोर्स एंड 3 विंडोज, ये क्या है, सेंटेंस नहीं बनता। दो बारियां और तीन, अरे दो दरवाजे और तीन बारियां, तो इसमें कुछ समझ में नहीं आता। इसमें क्या है, सेंटेंस को ऐसा सेंटेंस होता है जो अपने को समझ में आता है उसे बोलेंगे सेंटेंस। 6, दैट ओल्ड मैन अंडर द ट्री, क्या है, द ओल्ड मैन है वो कहाँ है, ओल्ड मैन अंडर द ट्री, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, इज नहीं है, द ओल्ड मैन कहाँ है, अंडर द ट्री, तो ये भी बनेगा एस, तो अपने यहाँ लगाएंगे फुल स्टॉप। नंबर 7, वी कैन जंप, हम कूद सकते हैं, तो यहाँ लगाएंगे, लिखेंगे एस, क्योंकि ये सेंटेंस बनता है, अपने को समझ में आता है, तो हम कूद सकते हैं। नंबर 8, ऑन द बिग टेबल, अब ये क्या है, ऑन द बिग टेबल, टेबल पर है, क्या है कुछ समझ में नहीं आता है, तो ये सेंटेंस नहीं है, तो अपने यहाँ करेंगे डैश। नंबर 9, द ओल्ड मैन इज लिम्पिंग, ओल्ड लिम्पिंग यानी लंगड़ा के जो चलते हैं, जो लंगड़ा होता है, कोई बूढ़ा इंसान है वो लंगड़ाता है, तो ये सेंटेंस बनता है, तो अपने यहाँ लिखेंगे एस एंड पुट ईयर फुल स्टॉप। नंबर 10, माला एंड बेला टुगेदर, माला भी क्या है, माला एंड बेला टुगेदर साथ में है, तो यहाँ ये सेंटेंस बनता नहीं है, बट माला एंड बेला आर टुगेदर, माला और बेला क्या है, साथ में है, तो यहाँ लिखेंगे एस। 12, शी नोज स्विमिंग, वो क्या है, वो लोग जानती हैं, वो क्या है, स्विमिंग करना जानती है, तो ये है सेंटेंस, और यहाँ लिखेंगे फुल स्टॉप। एक्सरसाइज नंबर 3, मैच द सब्जेक्ट्स इन कॉलम एम विथ द राइट प्रीडिकेट्स इन कॉलम एन एंड राइट द सेंटेंसेस ऑन द लाइंस बिलो, यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट और प्रीडिकेट को अलग अलग दिए हैं, इनको अपने को मैच करने का है, कॉलम एम में है सब्जेक्ट है और कॉलम एन में है प्रीडिकेट्स। नंबर 1 है द टीचर, 2 काउज, 3 दोज गर्ल्स, 4 द कॉक, 5 द बेगर, 6 लेजी पीपल, 7 कैमल्स, 8 दिस डॉग। इन प्रीडिकेट कॉलम एन इज क्रोइंग, आर डांसिंग, डू नॉट वर्क, इज टीचिंग, गिव अस मिल्क, इज बैगिंग, डज नॉट बाइट, आर यूजफुल इन डेजर्ट्स। आंसर, राइट योर आंसर, द टीचर, अब यहाँ सब्जेक्ट है, टीचर की प्रेडिकेट में क्या लिखेंगे अपने, इज टीचिंग, तो द टीचर इज टीचिंग, यहाँ सेंटेंस हो गया। नाउ नंबर 2, यहाँ लिखेंगे काउज, काउज क्या करती है, काउज द गिव अस मिल्क, तो साथ में लिखेंगे, ज्वाइन करेंगे, काउज गिव अस मिल्क। नंबर 3, दोस गर्ल्स, अब दोस्त वो लड़कियां हैं।